आइए हम लोग फिर से याद करें कि एक ब्रह्मांड का नियम है कि जो चीज प्रकट होती है वो अदृश्य होती है। अगर हम लोग प्रकट हुए हैं तो अदृश्य होंगी। शिक्षा क्या है कि कैसे अदृश्य होते हैं उसका ज्ञान हो और उस पर अपना अधिकार हो। अदृश्य तो होना है। अगर जिसे मरना कहते हैं हम मरना नहीं चाहते हैं तो महातार बाबा की तरह लहड़ी महाशय की तरह इतना सीखना है कि हम जब चाहें अदृश्य हो जाएं और प्रकट हो जाएं। ये ज्ञान जब तक नहीं होता है तब तक क्रिया योग छोड़ना नहीं है। एक पढ़ाई है। ये पढ़ाई का जो अंतिम सोपान है वो यही है कि अनुभव करिए कि आपकी सर्वव्यापक अवस्था है, एक जगह नहीं है। लेकिन इतने से काम नहीं चलता है। कुछ और सेवा करने के लिए हमें ये भी करना पड़ता है, कहीं प्रकट होइए कहीं अदृश्य होइए। जब सर्वव्यापी है तो प्रकट होने का अदृश्य होने की आवश्यकता क्या, इसकी आवश्यकता है। क्योंकि पृथ्वी पर मानव जिनका विकास बचपन की तरह है, अभी विकसित नहीं है, उनके लिए किया जाता है। जैसे महातार बाबा लहड़ी महाशय के सम्मुख प्रकट हुए, अदृश्य हुए। लहड़ी महाशय कुछ सभी नहीं, कुछ उन्नतशील शिष्यों के सामने प्रकट हुए, अदृश्य हुए। जीसस क्राइस्ट भी ऐसे ही किए। स्वामी तेसर जी ने भी ऐसे ही किया था। ये सब एग्जाम्पल हैं। अगर ये प्रश्न उठाया जाए कि अगर सर्वव्यापकता की अनुभूति हो गई तो फिर हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। अगर ये पता चल गया कि हम ही पेड़ हैं, जानवर हैं, हम ही तारामंडल हैं, सूरज और चांद हैं, सभी मानव के रूप में हम ही हैं, फिर अदृश्य अदृश्य होने की बात कहाँ से आती है, इसकी आवश्यकता क्या है, तब भी है। सर्वव्यापकता की अनुभूति बनाए हुए हमें इस अवस्था की प्राप्ति करना है। इसलिए क्रिया योग का ये अंत हो गया ये कभी मत सोचिएगा। इसका अभ्यास में प्रतिदिन आगे बढ़ते रहिए। जैसे जैसे अभ्यास में आगे बढ़ेंगे आपकी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, आपकी चमड़ा, आपकी आँख, कान, ये सब बदलेंगे। तो बदलेंगे तो इसमें बदलाव क्या होगा, इसकी सामर्थ्य बढ़ेगी, इसकी रचना बदलेगी। सामर्थ्य बढ़ने का अर्थ क्या है, जैसे आंखें देखती हैं, कान सुनता है, जीवा स्वाद लेता है, नाक गंध, पैर से हम चलते हैं, हाथ से काम करते हैं, ये सब इसकी क्षमता बढ़ेगी। लेकिन इसकी रचना बदलेगी। जब रचना बदलेगी तो इसके अंदर कितनी हवा जाए, कितनी निकले, कितना इसके अंदर जल तत्व जाए, कितना बाहर आए, वो कितना ठोस जाए बाहर आए, ये भी बदलेगा। इसलिए हम ये तैयार रहें बदलाव के लिए। कोई नियम मत बना लीजिए कि बस इसी नियम पर चलना है। अगर आपने एक लीक बना लिया, एक रास्ता बना लिया कि इस पर चलना है, तो अगला अभ्यास नहीं कर पाएंगे।